केंद्र शासित प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने पर जेडीयू ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों में आरक्षण के प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संसद ने पारित किया है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस की सुविधा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसी तरह लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं है। ये ऐसे राज्य हैं जो एनडीए और बीजेपी शासित है। तो वहीं बिहार में जाति गणना के बाद आरक्षण को 75% करने के बाद बिहार आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की हमारी मांग है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब ऐसा नहीं किया है। बिहार ने आरक्षण का दायरा ओबीसी के लिए 43% कर दिया, लेकिन आप आरक्षण नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो क्या हाल है जो देख लीजिए इनका। उत्तराखंड में 14%, हरियाणा में 23%, मणिपुर में 23%, त्रिपुरा में 2%, मध्य प्रदेश में 14%। तो भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि आखिर कारण क्या है, और हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं। भाजपा शासित राज्य हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम में जाति आधारित 50% आरक्षण भी लागू नहीं है। जो बिहार फोबिया से देश में भारतीय जनता पार्टी ग्रसित है, उसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए, अगर देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है और उस संविधान के तहत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, तो भाजपा शासित राज्य में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य रूप के आर्थिक कमजोर तबके को 10% का आरक्षण क्यों नहीं? कौन है गुनाहगार? अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, चलेगा। अगर आप यह समझते हैं कि जाति सर्वे होना सही, जाति गणना सही, आरक्षण का दायरा बढ़ाना सही, तो नरेंद्र मोदी से कहिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालें। अगर 9वीं अनुसूची में आप नहीं डालवाने के लिए, आप अपनी आवाज बुलंद करिएगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिएगा, तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि आप जो जनगणना हुई है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, आप उसके खिलाफ हैं।